चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लाल बटन को दबाकर और साथ में इस घंटे को जरूर दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिराना टेक में। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि 10 GB डाटा कैसे मिलेगा, तो उसके बाद भी कई क्वेश्चंस कमेंट आ रहे हैं कि उनको 10 GB डाटा नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जिनको 10 GB डाटा नहीं मिला है तो उनको कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसे लेके आता रहता हूं मैं। तो आपको आपने करना क्या है, आपने अपने डायल पैड में जाना है। सबसे पहले डायल पैड में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक नंबर डायल करना है 1299। तो ये नंबर डायल करने के बाद आपने अपने जियो वाले नंबर से कॉल कर देनी है इस नंबर पे। तो कॉल करने के बाद ये आपका अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा फोन, ठीक है। डिस्कनेक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे वेट करना है, आपके पास एक मैसेज आएगा। देखिए मैसेज आ चुका है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल में जितने भी आपके ऐड ऑन पैक चल रहे हैं या डाटा प्लान चल रहे हैं सारे की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ऐड ऑन 10 GB, उसमें से 9.91 GB पड़ा है, प्लान एक्सपायर 28 मार्च को, यानी कि मुझे डाटा मिल चुका है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको डाटा नहीं मिला है तो आपने अपनी माई जियो ऐप में जाना है। माई जियो ऐप में जाने के बाद आपने यहाँ पे, अगर आपकी यहाँ पे जैसे कि जो लिस्ट होती है आपने इंस्टॉल नहीं की हुई, वो इंस्टॉल यहाँ पे जो जो आपने इंस्टॉल की है वो यहाँ पे नहीं आएगी, जो इंस्टॉल नहीं की वो यहाँ पे शो होगी। अगर आपके यहाँ पे माई जियो ऐप शो हो रही है तो वहाँ पे उसकी डिटेल लिखी होगी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये 10 GB डाटा इसलिए मिल रहा है कि जो इसकी जियो TV ऐप है जियो की, उसने अवार्ड जीता है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन का अवार्ड जीता है। तो इसके लिए ही आपको जियो की तरफ से 10 GB डाटा दिया जा रहा है। तो आप सबसे पहले माई जियो ऐप में से या प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को, जियो TV ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो प्ले स्टोर से या माई जियो ऐप से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जियो TV ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब आपकी ये ओपन हो जाएगी उसके बाद आपने कोई भी चैनल को प्ले करना है। याद रखिएगा आपको हाथों हाथ डाटा नहीं मिलेगा, आपने 10-15 मिनट इस ऐप को प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपने क्लोज करना है। अगर आपके पास पहले से माई जियो ऐप है और आपके पास जियो TV ऐप भी है तो आपने दोनों को अपडेट करना है। स्पेशली आपने माई जियो ऐप को अपडेट करना है, वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपने जियो TV ऐप को तो अपडेट करना ही है। और आपको बता दूं कि ये जियो TV ऐप ने सबसे बढ़िया एप्लीकेशन, टॉप एप्लीकेशन का अवार्ड जीता है। तो इसके लिए ही आपको ये 10 GB डाटा दिया जा रहा है। तो आपका ये प्रॉब्लम यानी कि आपको डाटा मिल जाएगा। उसके बाद आपने, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि आप अपनी मैसेज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और अपनी माई जियो ऐप में जाके आप यहाँ पे जो 3 डॉट होते हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे माई प्लान में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो प्लान है वो शो हो जाएंगे और आपका 10 GB डाटा भी यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा डाटा शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।